हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागमती व्यूह खंड के 11वें और 12वें छंद की। तो मैं चारू अग्रवाल आज आपके साथ यहाँ पे नागमती व्यूह खंड शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो का लिंक और इसके अलावा इसके PDFs जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आपको पता है नागमती व्योखंड कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन हम कर गए हैं, यहाँ पे हम वर्णन कर गए हैं बारहमासी का। ठीक है, किस चीज़ का वर्णन कर गए हम, बारहमासी का। तो बारहमासी में हमारे कुछ महीने हो चुके हैं, यानी कि 7 महीने हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 8वें और 9वें महीने की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लागे माघ परे अब पाला, विघा काल भयो जड़ काला। यहाँ पे देखिए माघ के महीने की बात हो गई है। ठीक है, पहल पहल तन हुई झापे, हा हरि अधिको हित कापे, आई सूर होई तपुगे नाहा, तो ही बिन जाड़ न छूटे महा, एही महा उपजा गस मूलू, तूसो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुबही जस महावट नीरू, तो ही बिन अंग लाग सग चीरू, टप टप बूंद पघई जस ओला, बिघय पवन होई मग झोला, केहिक सिगार को पिहु पटोरा, गिउ नहार रही होई डोरा, तुम बिनु कापे धनी हिया, तन तिन उर भाडोल, तेही पग विह जगई के चाहे उड़ाव झोल। अब यहाँ देखिए संदर्भ आता है, संदर्भ आपका वही गएगा जो पहले था, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमखंड काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, प्रसंग देखिए। माघ का महीना लग जाने पर विहणी नागमती की विह वेदना और भी बढ़ गई है। प्रिय मिलन की आकांक्षा करती है, क्योंकि अब कामोन्माद सहा नहीं जा रहा। इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की इसे विह वेदना एवं प्रिय मिलन की आकांक्षा का वर्णन किया है। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, इस छंद में जो माघ का महीना है, ठीक है, वो लग गया है। माघ का महीना जब लगता है इसमें भी सर्दी होती है, काफी ज्यादा सर्दी है अभी। ठीक है, तो सर्दियों के मौसम की यहाँ बात हो रही है। तो माघ का महीना लग गया है, ऐसे में जो नागमती है उसकी विह वेदना यानी कि उसका दुख जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे वो क्या करती है, प्रिय मिलन की आकांक्षा करती है, यानी कि वो चाहती है उसका प्रिय जो है वो जल्दी से जल्दी लौट आए, क्योंकि अब उससे जो उसकी काम भावना है वो सही नहीं जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जायसी हैं उन्होंने नागमती की इसी विघय वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षा का वर्णन किया है। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए, शीत ऋतु है, माघ का महीना लग गया है, अब तो पाला पड़ने लगा है। इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल बनकर आया है। जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों से अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी शीत का अनुभव करते हुए कांपने लगता है। प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत से मुक्त कर सकते हो। आप सूर्य की तरह तपते हुए आओ, तभी इस शीत से मुझे मुक्ति मिल सकेगी। माघ के इस महीने में तुम्हारे ससंग के बिना शीत से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए जो नागमती है वो कहती है कि इस समय पे क्या हो गई है, शीत ऋतु आ गई, यानी कि सर्दी का समय आ गया है। और कौन सा महीना है, माघ का महीना लगा हुआ है। इस समय पे क्या है, अब पाला भी पड़ने लगा है। तो शीत ऋतु में वो कहती है कि विरह जो है मेरे लिए क्या है, साक्षात काल बनकर आया है। साक्षात काल मतलब मेरे लिए मृत्यु के समान बनकर आया है। जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों को अपने शरीर पे पहनती हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं ऊनी कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहनती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी शीत का अनुभव करता है, मतलब मुझे और भी ज्यादा सर्दी अनुभव होती है और मैं कांपने लगती हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि सिर्फ तुम ही हो, मतलब कि वो अपने प्रियतम से यानी कि गाजागतन से इसलिए कहती हैं कि प्रियतम सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझे इस सर्दी से मुक्ति दिला सकते हो। तो तुम सूर्य की तरह तपते हुए आओ और इस शीत से, इस सर्दी से मुझे मुक्ति दिलाओ। माघ के महीने में केवल तुम्हारे संग ही मैं इस शीत से मुक्ति पा सकती हूँ, वरना तुम्हारे बिना इससे मुक्ति पाना संभव नहीं है। आगे देखिए,
यह मास कामोन्माद को बढ़ाने वाला माना जाता है। सभी लोग इस ऋतु में काम का अनुभव करते हैं। मेगा यौवन पुष्प है और तुम इस पुष्प का रसपान करने वाले भवन, फिर भला तू क्यों नहीं आकर अपना प्राप्य ले लेते। माघ के इस महीने में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा हो रही है, जिससे सर्दी और भी बढ़ गई है। वर्षा से गीले हुए वस्त्र मेरे अंगों को बाण के समान काट रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मेरे नेत्रों से आंसू टपकते हैं। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झंझोर रही है। अब यहाँ पे क्या कह रही है नागमती कि ये जो मौसम है ये काम उन्माद का मौसम होता है, सभी के अंदर काम का अनुभव होता है। तो वो यहाँ पे तुलना कर रही है अपने आप की पुष्प से कि मैं पुष्प के समान हूँ और तुम भौरे के समान हो, तो भला तुम वापस आकर जैसे भौरा पुष्प का रसपान करता है तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते। और माघ के इस महीने में वो कहती है कि जो माघ के महीने में मतलब उस टाइम पे क्या होता है बारिश होती है, तो वही कह रही है कि ये जो माघ का महीना है इसमें बारिशें भी शुरू हो गई है और ये बारिश जब होती है तो उससे क्या होता है सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कहती है जब वर्षा होती है और वर्षा में मेरे जो वस्त्र हैं अगर वो भीग जाते हैं तो वो क्या है वो वस्त्र मेरे अंगों को किस तरह से काटते हैं, बाढ़ की तरह से काटते हैं। यानी कि मतलब मुझे वर्षा जो है वर्षा का जो अनुभव होता है जिसमें कि हमें अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर क्या होता है वर्षा की तो पसंद होती है, हमें वर्षा में भीगना पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे नागमती कहती है कि वर्षा में अगर मैं भीग जाती हूँ तो वो चीज मुझे और भी ज्यादा बुरी लगती है या मुझे और भी ज्यादा घायल करती है, मेरे दुख को और ज्यादा बढ़ा देती है। ओले बरस रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे मेरे नेत्रों से आंसू टपकते हैं। यहाँ पे ओलों की जो तुलना है ठीक है, ओलों की तुलना किससे की गई है, आंसुओं से उसकी तुलना की गई है। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झंझोर रहा है, ये वो कह रही है कि जिस तरह से जो हवा होती है जो पवन होती है वो हमें हमारे आसपास आ जाती है, मतलब हमें पूरी तरह से छू के जाती है। उसी तरह से वो कहती है कि जो मेरा विरह है मेरा जो दुख है वो पूरी तरह से मेरे शरीर को जकड़ रहा है। फिर देखिए आगे कहती है कि हे प्रियतम मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं यह सब करती हूं वह प्रियतम तो परदेश में है। आभूषण धारण करने की इच्छा नहीं करती क्योंकि मेरी गर्दन सूखकर डोर सी हो गई है, अब उस ग्रीवा में हार का बोझ सहन करने की शक्ति नहीं है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, इस पैराग्राफ में सीधा सीधा ये बोला गया है कि जो भी मैं श्रृंगार करती थी, जो भी मैं कुछ करती थी वो सब मैं तुम्हारे लिए करती थी और तुम ही नहीं हो, तो अब मैं किसके लिए साज श्रृंगार करूँ, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं। तो वो कहती है कि मेरा अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, ना ही मुझसे आभूषण पहने जाते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था क्या हुआ था कि जो नागमती हैं वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई हैं। वो मतलब वर्णन करती हैं कि जो मेरा प्रिय है उसके जाने के दुख में मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और इसकी वजह से मैं क्या हूँ सूखती जा रही हूँ। तो ये कहती है कि अब जो मेरी गर्दन है ना वो डोर सी हो गई है, मतलब बहुत पतली हो गई है और उससे आभूषणों का बोझ सहा नहीं जाता है, तो मैं ये हार पहनने की शक्ति नहीं रखती हूँ और मैं ये हार नहीं पहन सकती। वो कहती है हे प्रिय तुम्हारे वियोग में इस विहीनी स्त्री नागमती का हृदय कांपता रहता है और शरीर तिनके के समान क्षीण होकर इधर उधर उड़ता रहता है, ऊपर से विरह उसे जलाकर पूरी तरह राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। अब वो कहती है यहाँ पर उसे संबोधित करते हुए कहती है मतलब उनसे राजा रत्न सेन के लिए कहती हैं कि हे प्रिय तुम्हारे वियोग में यानी तुम्हारे ना होने के मेरे साथ ना होने का जो दुख है उसमें मेरा हृदय क्या है कांपता रहता है और मेरा जो शरीर है वो तिनके के समान क्षीण होकर, क्षीण होकर मतलब बिल्कुल हल्का अनुभव कर इधर उधर उड़ता रहता है, मतलब उसमें कुछ वजन नहीं बचा, उसमें जान ही नहीं बची है। और कहते हैं कि ऊपर से ये जो विरह है ये जो दुख है ये मुझे इस तरह से जला रहा है कि जलाकर मुझे गाख बनाना चाहता है, जिससे कि गाख क्या है वो यहाँ वहां उड़ा सके। अब यहाँ पे भाव सौंदर्य देखिए, इसमें विरह का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण क्या है कि उसे तरह तरह की चीजों से तुलना की गई है उसकी, ठीक है, और मानव निर्मित चीजों से यहाँ पर उसकी तुलना की गई है। फिर सेकेंड देखिए, माघ के महीने में बसंत पंचमी होती है, वसंत ऋतु में काम भावना उद्दीप्त हो जाती है, इसी काम भावना को यहाँ पर कवि ने रसमुलु कहा है। तो रसमुलु का यहाँ पे जो अर्थ है, ये रसमुलु शब्द जो यहाँ पर इस चंद में प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है काम भावना का होना, ठीक है। फिर आगे देखिए काव्य सौंदर्य आता है, काव्य सौंदर्य में कोई बदलाव नहीं है, वही रहेगा, बस अलंकार में बदलाव है। अलंकार कौन कौन से है, उदाहरण अलंकार है, रूपक है, अतिशोक्ति है और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब चलिए दूसरा छंद देखते हैं हमारा, यहाँ देखिए दूसरा छंद है हमारा, यहाँ पे फागुन का महीना लग गया है। अब देखिए फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाड़ नहीं सहा, तन जस पियग पात भा मोरा,
तेही पर विहे देई झकझोरा, तगिवर झगही वन ढाका, भई ओनत फूली फरी साखा, करही वनस्पति हिये हुलासु, मोक है भाजग दून उदासु, फागु करोही सब चांचरी जोरी, मोही तन लाई तीन जस होरी, जो पे पियू जगत अस पावा, जगत मगत मुहि होश न आवा, राति दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धगो जस पाव। संदर्भ देखिए, संदर्भ वही है, प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके रचयिता या सॉरी इसके संपादक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, वीणी नागमती की व्यथा फागुन के महीने में और भी बढ़ गई है। होली का त्योहार इस महीने में मनाया जाता है, किंतु नागमती को सारी दुनिया उदासी से भरी लगती है। वह आकांक्षा करती है कि अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और वह राख उड़कर प्रिय के पैरों तक जा पहुंचे। जायसी ने इन पंक्तियों में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति दी है। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए। अब आप लोगों को पता ही है कि फागुन के महीने में क्या होता है, होली होती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फागुन के महीने में होली आती है, मतलब जब होली का त्योहार मनाया जाता है उस समय हिंदी के महीनों में कौन सा महीना चलता है, फागुन का। फाल्गुन भी कहा जाता है इसे, इसे लिखा जाता है फाल्गुन, ठीक है। फागुन का महीना चलता है तो देखिए, फागुन फाल्गुन के महीने में हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं, शीत चौगुना बढ़ गया है जिसे सहन करना कठिन हो रहा है। इस माह में पतझड़ होने लगा है। इधर मेरे शरीर ही पतझड़ के पीले पत्तों की तरह निगह शुष्क और पीला पड़ गया है। ऊपर से विरह उसे झंझोर रहा है। ढाक के वन में वर्षा से पत्ते झड़ रहे हैं, शाखाओं के फूल और फल आ गए हैं जिसके भाग से वे झुक गए हैं। वनस्पतियां इस मौसम में उल्लास से भर गई हैं, किंतु मेरे लिए तो संसार दोगुना उदास हो गया है। यहाँ देखिए, जब होली का समय है ना, पहले के टाइम में क्या होता था, जिस समय ये लिखी गई है रचना उस समय ना काफी ज्यादा सर्दी होती थी। अब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, गर्मियों का सीजन बहुत ज्यादा रहता है। तो हम अब जो ये सब पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम पे इस समय पे जैसे कि बारिश का समय आया है सर्दियों के अंदर, या होली के समय पे भी ठंड हो रही है, तो अभी तो हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर फागुन के महीने की बात हो रही है कि इस समय हवा क्या है और भी तेज चलने लगी है, और जो सर्दी है, शीत का जो मौसम है, वो चार गुना बढ़ गया है इस समय। मतलब सर्दी बढ़ने की कगार पे है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो कह रही है कि इस समय इस सर्दी को सहन करना कठिन होता जा रहा है। साथ ही इस महीने में क्या होता है, पतझड़ का समय होता है। पतझड़ का समय बता रही है यहाँ पे। अगर हम देखें इस समय जो मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है, पतझड़ का जो समय होता है वो जनवरी और फरवरी के टाइम में ही निकल जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रही है कि जो पतझड़ होने लगा है, और इधर मेरा शरीर जो है वो खुद ही पतझड़ के पीले पत्तों के समान है। मतलब जो पतझड़ का समय होता है ना, उस समय पे पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं और फिर वो झड़ते हैं और बाद में उसमें नई खोपले आने लगती है। तो कहती है कि मेरा जो शरीर है वो खुद पीला पड़ने लगा है, पीले पत्तों के समान ही वो निगह शुष्क और पीला हो गया है। ऊपर से विरह जो है, यानी कि जो दुख है वो मुझे झंझोर रहा है, और ढाक के वन में वर्षक से पत्ते झड़ने लगे हैं। मतलब वर्षा होने की वजह से पत्ते क्या हैं, झड़ रहे हैं शाखाओं पर। उसके बाद क्या होता है कि जब जो पतझड़ होता है, पतझड़ का मौसम जाता है, उसके बाद छोटे छोटे कोपल उगते हैं, छोटे छोटे फल फूल उगने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो शाखाएं हैं उन पर फल फूल आने लगे हैं, जिसके भाग से क्या है, वो शाखाएं झुकने लगी हैं। वनस्पतियां इस मौसम में उल्लास से भर गई हैं। वनस्पतियां वही पौधे और वनस्पति सब वही आ गई। तो इस समय क्या है, इस सबसे सबके लिए खुशी है, लेकिन मेरे लिए इस समय क्या है, संसार दुगना उदास हो गया है। क्योंकि सब लोग खुश हैं और मैं क्या हूं, मैं इस चीज से दुखी हूं कि मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो पति है, वो इस समय मेरे पास नहीं है। आगे देखिए, मेरी सभी सखियां समूह बनाकर नाच गा रही हैं, फाग खेल रही हैं और इस प्रकार होली का त्योहार मना रही हैं। किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे शरीर में होली की ज्वाला जला दी है। भाव यह है कि वह ज्वाला मेरे शरीर को जला रही है। यदि इस प्रकार जलने से भी मुझे प्रियतम की प्राप्ति हो जाए, तो जलकर मर जाने से भी मुझे तनिक आक्रोश या शोभ ना होगा।
अब तो रात दिन मेरे प्राणों में एक ही गट लगी हुई है कि किसी प्रकार अपने प्रियतम से मिल सकूं और उन्हीं की सेवा में जीवित जीवन व्यतीत करूं। विनय नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं और फिर पवन से यह अनुरोध करूं कि तू राख को उड़ा दे। संभव है ये राख उस मार्ग पर जाके गिर पड़े जहां मेरे प्रियतम अपने चरण रखे। भाव यह है कि मरने के उपरांत भी यदि मेरे शरीर की राख प्रियतम के चरणों के नीचे आ गई तो मुझे संतोष मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं जो नागमती हैं, वो कहती हैं कि इस समय क्या है, मेरी सखियां हैं या दुनिया में कोई भी है, वो सब क्या कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, फाग खेल रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि मेरा जो शरीर है वो होली की ज्वाला में जला जा रहा है। होली से पहले, एक दिन पहले होली का दहन होता है, तो यहाँ पे उसकी बात हुई है कि इस समय होली की जो ज्वाला है उसमें मेरा जो शरीर है वो जला जा रहा है। मेरा जो इसका भाव क्या है कि जो मेरा दुख की ज्वाला है, मतलब विरह की जो ज्वाला है, वो मेरे शरीर को जला रही है। फिर नागमती कहती हैं कि अगर ये सब होने से, यानी कि मेरे शरीर के जल जाने से, इससे भी अगर मेरे प्रियतम की मुझे प्राप्ति हो जाती है तो भी मुझे कोई भी दुख, कोई भी आक्रोश, किसी भी तरीके का कोई गुस्सा, किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं होगा। अब तक आज दिन मेरे प्राण एक ही कट लगाए हुए हैं कि किसी तरह से वो अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं और उनकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पे नागमती जो है वो कहती है कि मैं अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहती हूँ कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं और फिर मैं पवन से यानी हवा से ये अनुरोध करूंगी कि उस राख को उड़ा ले। और मुझे ये उम्मीद है, यानी कि संभव है कि वो राख उड़कर उस मार्ग पे जा गिरे जहां मेरे प्रियतम अपने चरण रखेंगे। तो वो कहते हैं कि भाव यह है कि मरने के उपरांत भी अगर मैं मर भी जाऊं और मेरे शरीर की जो राख है अगर वो मेरे प्रियतम के चरणों के नीचे आ जाए तो मुझे संतोष मिल जाएगा, यानी कि मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे शांति मिल जाएगी। अब यहाँ पे भाव संदर्भ देखिए, पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती की इस आकांक्षा को प्रिय के प्रति सात्विक प्रेम की व्यंजना दी है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो प्रेम है ना, सात्विक प्रेम है। सात्विक प्रेम कैसा होता है? सात्विक प्रेम होता है कि हमें किसी भी तरीके की ना, मतलब हम कह सकते हैं एक ईश्वरीय प्रेम की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। सात्विक प्रेम का मतलब ईश्वरीय प्रेम से जोड़ा जाता है, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी सामने वाले से, आपको बस अपनी चीज में खुशी है कि अगर मेरे संग, जैसे यहाँ पे क्या है कि नागमती को किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसे पता है कि मेरा पति दूसरी शादी करने गया है, लेकिन फिर भी उसे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखती। वो सिर्फ ये कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं और मैं मर के भी अगर मेरी जो राख है, मेरे शरीर की जो राख है, अगर वो मेरे पति के चरणों पे पड़ जाए तो क्या होगा कि मुझे शांति मिल जाएगी। तो वो यहां अपने में खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये चीज कही गई है कि उसके प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ मांग नहीं है, कुछ भी वो चाहती नहीं है। तो यहाँ पे वो सात्विक प्रेम की व्यंजना कही है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। क्या बताया है कि ये सात्विक प्रेम है और इसी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी मतलब थोड़ी थोड़ी सी इसकी प्रशंसा की है। सेकंड देखिए, अभिलाषा नामक काम दशा का चित्रण इस छंद में है, ठीक है। यहाँ पे अभिलाषा का जो काम दशा का वर्णन है, अभिलाषा यानी कि उसकी जो उम्मीद है, वो जो चाहती है, उसकी जो इच्छा है, अभिलाषा यानी इच्छा, वो किस तरीके की इच्छा रखती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर देखिए आता है आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में किसी तरीके का बदलाव नहीं है, भाषा अवधि रहेगी, रस वियोग श्रृंगार रहेगा, छंद दोहा चौपाई, भाषा शैली अलंकारिक और अलंकार रहेंगे यहाँ पे उदाहरण और उपमा। इसी के साथ यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई वीडियो की या फिर किसी भी तरीके की आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।